के बड़ौद के रहने वाले विष्णु चौधरी ने 12वीं में प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। विष्णु चौधरी श्रीराम कॉलेज के डायरेक्टर उपेंद्र चौधरी के बेटे हैं और साथ ही वो इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और साथ ही जानेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही। विष्णु, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, बहुत सारी बधाई। और सबसे पहले आप बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं, कितनी खुशी और कितने परसेंटेज रहे आपके? बिल्कुल, विष्णु चौधरी ने जो है टॉप किया है वो हमारे साथ बात करते हैं। कितने आपके मार्क्स आए, किस तरह से आपने ये सफर तय किया जो है? आई हैव गॉट 97.6 मार्क्स एंड आई हैव सिक्योर्ड सेकंड रैंक इन द यूपी। कितना आपने पढ़ा है इसके लिए जो है, कितनी मेहनत की, किस तरह से आपने अचीव किया इतना बड़ा गोल? सर, आई यूज टू स्टडी 15 टू 16 आवर अ डे। मतलब कुछ भी हो जाए कि 15 टू 16 आवर तो पढ़ना ही है, बाकी तो और कितना भी हो जाता था। और मतलब हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चीज को बारीकी से पढ़ना था। ज्यादा से ज्यादा लिखने की प्रैक्टिस होती थी और प्रेजेंटेशन किस कैसी होती है आपकी, मतलब एग्जाम में आप किस तरह से लिख रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो वो सब हमारे टीचर ने सिखाया था कि भाई किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, किस तरह से लिखना चाहिए और किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को आपको टैकल करना है। कि अगर आपके कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसे किस तरह से टैकल करना है, कि अगर आप कुछ भूल रहे हो तो उसे किस तरह से रिकॉल करना है, बार बार किस तरह से रिविज़न करना है। तो इस सब के बीच हमारे टीचर्स की मेहनत थी। और जो हमारे प्री बोर्ड एग्जाम होते थे उसमें भी बहुत हेल्प मिली, कि मतलब हमें एग्जाम में जाके ऐसा लगता ही नहीं था कि हम एग्ज़ाम देने गया है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई थी। इस वजह से ये उन सब का हार्ड वर्क का रिजल्ट है। आज टॉप करने से आप चुके हैं, कितने नंबर से चुके हैं, आगे आगे क्या सपना है आपका? सर, आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर इन माई लाइफ एंड ऑल्सो आई एम नॉट सो मच रिग्रेसफुल दैट कि मैं फर्स्ट रैंक नहीं कर पाया, लेकिन जो मैंने टारगेट लिया था कि यूपी में आना है तो मतलब आना है, क्योंकि मैं पिछली इस बार भी रह गया था इसी वजह से। लेकिन इस बार मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि जो मैंने मेहनत की थी वो सफल हो गई है। और जो मेरे टीचर्स का मेरे साथ सहयोग था, उन्होंने मुझ में पहचान दिलाई कि भाई तू कर सकता है, उन्होंने मुझे बताया कि भाई हाथ के अंदर कैपेबिलिटी है, तो उसके आज रिजल्ट हैं। कितना पढ़े हैं, कौन कौन, किस किस लोगों ने आपका सहयोग किया, परिवार के कौन कौन लोगों ने सहयोग किया, क्या कहेंगे उन लोगों? मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे अंदर एक काबिलियत पैदा की कि हाँ तू कर सकता है। जब जब भी मैं कभी हार मान जाता था तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ तू कर सकता है। और ये भी होता था कि सही गाइडेंस भी उन्होंने दी कि भाई तुझे यहाँ पे चलना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी भी चीज़ से, सोशल मीडिया से दूर रहना है और मतलब पढ़ाई जो है वो ही करनी है। इस वजह से उनका बहुत सहयोग रहा, इस वजह से ये मेरी सफलता नहीं है, या श्रीराम की सफलता है। क्या बनना चाहते हैं आप, क्या करना चाहते हैं आगे आगे चल के जो है? मेरे पिता और मेरे जो हमारे स्कूल के डायरेक्टर मतलब प्रिंसिपल सर हैं श्री राजीव तोमर जी, उनका भी यही सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मैंने ये सपना उन्हीं की गाइडेंस में चुना है कि डॉक्टर इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों देख के कि हमें ये डॉक्टर ही क्यों बनना चाहिए। तो इस वजह से मैं डॉक्टर ही बनना चाहता हूं और अभी से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो मेरा यही सपना है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। कितने बहन भाई हैं आप और क्या कहेंगे आप लोगों से, क्या अपील करेंगे बच्चों से, क्या कहेंगे? हम, मेरी एक और बहन है जो 12th क्लास में ही है। मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि कभी भी डिस्ट्रैक्ट मत होना। जो तुमने टारगेट सेट किया है कि मुझे अब इस रैंक में आना है, मुझे ये करना है, क्योंकि बिना टारगेट के तुम प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास टारगेट नहीं है कि मुझे ये गोल अचीव करना है, तो तुम बेवजह पढ़ाई नहीं कर सकते। अगर तुमने टारगेट नहीं लिया है तो फिर तुम कैसे पढ़ाई कर सकते हो? तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमेशा पढ़ाई को इस दृष्टि से देखो कि तुम्हें अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ो, क्योंकि आज नहीं तो वो तुम्हारा मेहनत तुम्हारे तक जरूर पहुँचेगा। मैं ये संदेश देना चाहूंगा और हमेशा पढ़ते रहो। ये विष्णु चौधरी हमारे साथ जो बच्चों से कह रहे हैं कि मेहनत करनी चाहिए। आप देख सकते हैं श्रीराम कॉलेज है, यहाँ पर भीड़ जमा है, इनके पिता भी हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से, किस खुशी वो मना रहे हैं, क्या कहेंगे। सर, आपका जो है, आपके बेटे ने जो है टॉप दूसरे नंबर पर है यूपी में, क्या कहेंगे, कितनी खुशी आपको है जो है? मुझे हर साल खुशी रहती है रिजल्ट की, जब रिजल्ट आता है। और 2019 की खुशी तो आज ब्याह करने का नंबर आ गया है। 2019 में जो खुशी थी वही जितनी खुशी तब थी, ट्रैंकती थी, आज भी उतनी खुशी है और बेहद प्रसन्न हूँ। ये पूरा स्टाफ देख रहे किस तरह है। तो एक राम दरबार अपना। तो यूपी के सेकंड रैंक पर जो विष्णु चौधरी आए हैं उन्हें आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कैसे हार्डवर्क करके उन्होंने ये स्थान हासिल किया है। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और 12वीं में बेटियों ने टॉप किया है। सीतापुर की प्राची निगम ने टॉप किया है, फतेहपुर के दिव्या सोनकर दूसरे स्थान पर हैं और 12वीं में नव्या सिंह थर्ड टॉपर रही हैं। तो 12वीं की बात करें तो तीनों जो टॉपर्स हैं वो लड़कियां हैं और लड़कियों ने एक बार फिर से बाजी मार ली है।